दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज कराई ड्यूटी कम करके, लेकिन कई राज्य वैट कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो है 100 से आंकड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, देश की राजधानी के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां पर भी अभी वैट कम नहीं किया गया है और पेट्रोल डीजल की कीमत जो है अभी भी 100 से ऊपर है। आइए लोगों से बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 से ऊपर लगातार रही है, केंद्र सरकार ने ड्यूटी कम कर दिया, थोड़ा कम हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी वैट नहीं कम किया है, क्या कहोगे? फिर भी बहुत पेट्रोल का फिर भी दाम बहुत ज़्यादा है। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है यहाँ से यहाँ आने का, फिर यहाँ से फिर सरकार यहाँ से यहाँ लूट रही है, वहाँ से वहाँ लूट रही है। देखिए लोगों के रिएक्शन है ये, आप आए भी लोगों से मैं बात करूंगी। आइए कुछ पूछते हैं। केंद्र सरकार ने ड्यूटी दिवाली पे घटाई तो पेट्रोल डीजल की कीमत में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन दिल्ली में भी वैट कम नहीं हुआ है, यहाँ की सरकार ने वैट अभी कम नहीं किया, फिर इसलिए 100 से ऊपर है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या और कम होने की ज़रूरत है? बिल्कुल अभी और कम होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल डेली यूज की चीज़ें हैं, जो उनको बहुत राहत देगी जब दिल्ली सरकार 20 पे कम करेगी, तो काम करेगी, राहत की ज़रूरत है। और ऐसे में पर्व त्यौहार अभी भी लगातार चल रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो थोड़ी कम हुई केंद्र सरकार ने किया, अभी दिल्ली सरकार करती है वैट कम, तो और कम हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? कम होनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि बिना गाड़ी तो हमारा काम ही नहीं चलता। नहीं चलता, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, घर का पूरा बजट बिगड़ता है, वो तो पूरे किचन का भी घर का भी पूरा ही बजट बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोगों की जो है नौकरियों पे असर पड़ा है इससे। देखिए तो ये जनता की आवाज़ है, जनता यही कहती है कि अगर इनकी कीमतों में इजाफा हुआ तो सीधे सीधे आपके घर के बजट पर वो असर दिखता है, और ऐसे में सब यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब राज्य सरकारें भी वैट के ज़रिए थोड़ी और कीमत में गिरावट दर्ज कराए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पर्व त्यौहार का मौसम है, आने वाले समय में छठ पूजा भी है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि आने वाले पर्व पे दिल्ली में भी दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को तोहफा मिले। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।